हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू मैकेनिकल मेजर सीजीपीएससी के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पांच योजनाएं पढ़ी थी और उन छत्तीसगढ़ की योजनाओं में एक अपडेट आया हुआ है जो लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट की जो दर है वह कितनी है, तो 8 रुपये की बजाय अब वो 10 रुपये, ऐसे नए मंत्री जो परिषद की बैठक हुई उसमें ऐसी घोषणा हुई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में 8 की जगह 10 भी दिया है ऑप्शन में, तो आप 10 लगाएंगे। आई बटन में जा करके आप देख सकते हैं, स्क्रीन के राइट साइड में एक आई बटन आएगा, वहाँ आप इसकी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ आप जाकर के मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सीरीज। आज हम जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं पढ़ने वाले हैं उसमें मुख्यतः आपको दिखेगा स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो पहली जो योजना हम पढ़ने वाले हैं वो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो हुआ 4 नंबर का, कब हुआ था, 2015-16 में, उसके अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषित थे और 15 से 49 वर्ग में 47% महिलाएं जो थी वो एनीमिया से पीड़ित थी। एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से होने वाला ये रोग है। तो कुपोषित बच्चों में अधिकांशतः आदिवासी और दूरस्थ वरांचलों के बच्चे थे। तो राज्य सरकार ने इसे क्या किया, चुनौती के रूप में लिया और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो प्रारंभ किया। 3 वर्ष में जो है प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुपोषण अभियान में केवल कुपोषण को दूर करेंगे, तो आंसर आएगा नहीं, कुपोषण और एनीमिया दोनों से लड़ने का ये अभियान है। देन नेक्स्ट है हमारा कि इसका प्रारंभ कब किया गया, तो 2 अक्टूबर, अगेन इंपॉर्टेंट डेट, 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर। फिर इसके लाभ और प्रावधान देखते हैं, तो योजना शुरू होने के समय वजन त्यौहार क्या होता है, बच्चों के वजन को नापा जाता है और उनके जो है मॉनिटरिंग की जाती है। तो उनके आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे क्या है, कुपोषित थे, लेकिन 67,000 से अधिक बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो गए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है शासन की। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79 करने की रणनीति तैयार की गई है। मतलब ये जो है ये बहुत ही, इसमें जो आंकड़े हैं वो आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि सुपोषण अभियान का जो लक्ष्य है वो क्या है। फिर योजना के अंतर्गत क्या होता है कि 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 25,00,000 हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया। ये किया जा चुका है। रेडी टू ईट क्या होता है, सीधे आप उसको खा सकते हैं। देन ये भोजन का एक डाइट का है जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों से वितरित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, 2,84,2.84 लाख जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको सूखा राशन जैसे चावल दाल और सब्जी, और 2.36 लाख बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण भी इसी के तहत किया गया है। तो लॉकडाउन का अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो ये भी पूछ सकता है, लेकिन डेटा आप बहुत ज़्यादा याद ना रखें, 2 लाख इस तरह से आप याद रखें मोटे मोटे तौर पर। और एनीमिया प्रभावितों को क्या है, आयरन, फॉलिक एसिड और कृमिनाशक गोलियां दी जाती हैं। तो एनीमिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें क्या क्या दिया जाता है, क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें सबसे पहले तो आयरन आएगा, देन फॉलिक एसिड भी आएगा और कृमिनाशक दवाएं, ये तीनों चीज़ें उन्हें दी जाती हैं। केवल आयरन की गोली नहीं बल्कि ये दोनों भी दिया जाता है। तो ये है हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अब हम चलते हैं अपने अगली योजना पर। अगली योजना जो है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बिकॉज ये नई योजना है और इसका शुभारंभ इसी वर्ष किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उद्देश्य देखते हैं। प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालयों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर उठाना इसका क्या है, मूल उद्देश्य है। गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित कराना है। तो शासकीय चिकित्सालय भी है इसमें और कुछ अनुबंधित निजी अस्पताल भी है, रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको बोलते हैं। कब प्रारंभ हुई, तो इसी वर्ष 1 जनवरी के दिन ये योजना प्रारंभ हुई। और प्रावधान क्या है, तो प्रदेश के 65,00,000 परिवार इस योजना के दायरे में है। योजना के तहत BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के 56,00,000 परिवार को सालाना कितना रुपये, 5,00,000 रुपये, इनको कितना मिलता है, 5,00,000। और 9,00,000 APL मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार हैं, उनको हर वर्ष प्रतिवर्ष 50,000 रुपये तक निःशुल्क क्या कराएंगे, इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब 56,00,000 हो गए हमारे एक BPL परिवार और 9,00,000 हो गए APL, टोटल हो गया 65,00,000।
इनको क्या कराया जा रहा है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, उसके लिए पैसा जो है वो दिया जा रहा है। मतलब जो ज्यादा गरीब है बीपीएल उनको 5 लाख और जो एपीएल वाले हैं उनको 50,000 रुपए सालाना। और 1 जनवरी 2020 से कितने लोगों को, 3,20,738 लोगों का उपचार मुहैया कराया जा चुका है। मतलब आप बोल सकते हैं मोर देन 3 लाख को ये लाभान्वित कर चुका है। तो ये भी आपको थोड़ा सा डाटा कभी पूछ सकता है। बट इम्पॉर्टेंट डेट है कब से चालू हुआ, कितने परिवारों को यह लाभ करेगा, और चिकित्सालय कौन कौन से हैं, शासकीय भी हैं और निजी भी हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। देन हम चलते हैं। और डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये तो आप जानते ही हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ का कौन सा पुरुष कहा जाता है, मतलब इनकी गणना किन में होती है, किस वर्ग में की जाती है, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन हम चलते हैं अपनी अगली योजना पर, जो है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष, ये एक सहायता कोष बनाया गया था, उसका विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। बहुत बड़ी योजना है ये, 20 लाख का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है, ताकि स्वास्थ्य एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। इंपॉर्टेंट योजना बन जाती है। ये भी योजना क्या है, 1 जनवरी 2020 से ही चालू की गई, मतलब खूबचंद बघेल और योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी सेम दिन पर चालू की गई। इसका जो प्रावधान था या लाभ है वो 1 जनवरी से अब तक 346 प्रकरणों में 5 करोड़ रुपए की राशि के इलाज की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब अभी तक इसमें इतना सेंक्शन हो गया है। तो आपको याद रखना है, इसमें गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के लिए संजीवनी सहायता कोष जो बनाया गया उसको एक्सटेंशन मिला है इसमें, और 20 लाख तक के क्या इलाज की सुविधा की जा रही है। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है जो इतने बड़े राशि को अपने नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है, और 1 जनवरी से इसे चालू किया गया था। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट योजना, जो है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मलेरिया जो बीमारी है उसके उन्मूलन के लिए, खासकर बस्तर रीजन के लिए ये इसे चालू कराया गया है। तो देखते हैं, इसका उद्देश्य बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण मुक्त करने के लिए, और शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई है। अगेन एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें तीन दो चीजें और है, मलेरिया भी है, एनीमिया है, और कुपोषण मुक्त करने के लिए। और क्या कराना है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभ है वो 2 चरणों में हुआ। पहला चरण जो था वो 15 जनवरी से 23 फरवरी तक था 2020, और दूसरा चरण जो था वो 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक था। तो ये 2 चरणों में की गई, जनवरी से फरवरी और जून से जुलाई। फिर प्रावधान क्या है, तो अभियान के पहले चरण में जो कि 15 से 23 फरवरी तक था, 15 जनवरी से, वो उसमें 14,06,000 लोगों की जांच की गई, और इस दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए कितने लोग, 64,646 लोगों को मौके पर ही इलाज कर दवाइयां दी गई। मतलब 14 लाख लोगों का टेस्ट हुआ, 6,000 करीब, उसमें 64,646 लोगों को इलाज किया गया। और दूसरे चरण में 23,75,000 लोगों की जांच की गई, और उसमें 30,076 मलेरिया पीड़ितों का उपचार किया गया। डाटा याद नहीं रखना है, लाखों के फिगर को आप याद रखिए, 23 लाख और पहले चरण में 14 लाख। तो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से सितंबर 19 तक की तुलना में सितंबर 20, मतलब एक साल में बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में कितने परसेंट की कमी आई है, 65% से अधिक, more than 65%। इस डेटा को आप याद रखिए, more than 65%, केवल एक साल में, 1 ईयर में इतना डिले, इतना जो है आपका क्या हुआ है, कमी हुआ है, कम हुआ है एक साल में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन हम आगे जो लास्ट के वीडियोस में हमने देखा था पार्ट 1 में, जो और भी चिकित्सा से जुड़े और स्वास्थ्य से जुड़े जो भी योजनाएं थी वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी पढ़िएगा। तो इस तरह से हमारा जो हेल्थ वाले जितने भी स्कीम्स पॉलिसीज हैं वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति, जो नई औद्योगिक नीति आई हुई है उसको हम देखने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार का टॉपिक, क्योंकि ये नई नीति अभी लागू हो चुकी है। तो क्या क्या प्रावधान है और कैसे ये नीतियां बनी, ये सारे चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करिए और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।